इमाम हुसैन की कुर्बानी मुसलमानों के लिए ही नहीं इंसानियत के लिए भी मिसाल है। इमाम हुसैन की शहादत पर आज जाना थाना क्षेत्र के बिडोली सादात में एक मातमी जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के समूह के पास इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके सोंगवार छाती पीट पीट कर रोए और मातम मनाया। बताया गया है कि इमाम हुसैन ने जुल्म को मिटाने के लिए खुद को मिटा दिया। उन्हीं की याद में लोग छबील लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं। उन्हें मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम और पूरी इंसानियत उन्हें आज भी याद करती है। उन तहसील से सनी सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद कुमैल असगर जैदी है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। इसी गांव बिडौली सादात मुजफ्फरनगर असल हमारा वतन है। करीब में फिलहाल गाजीपुर शामली का जो गांव है मेरा वतन वहां है, लेकिन मैं फिलहाल पुणे में रहता हूं और वहां इमाम जुमा जमात की खिदमत कर रहा हूं, पुणे महाराष्ट्र में। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और 10 तारीख वो है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे इमाम हुसैन को, करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा से प्यासा शहीद कर दिया गया था। और इस मुहर्रम उन्हीं की याद में मनाया जाता है और उन्हीं की हिम्मत में शहीदों को अकीदत पेश किया गया। पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान मुस्लिम गैर मुस्लिम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिन्होंने दर से वफा लिया, हक्कानियत का दर्श लिया और सच्चाई के रास्ते पर चलने का सबक हासिल किया है, पूरी दुनिया के लोग जो भी इमाम हुसैन को पहचानते हैं आज के दिन वो उनके लिए गम मनाते हैं, शोक सभाएं मुनक़िद करते हैं, ताजिए और जुलूस निकालते हैं और पूरी दुनिया को इंसानियत, प्यार और मोहब्बत और जालिम के खिलाफ उठ खड़े होने और मजलूम की मदद करने का सबक देते हैं और मैसेज और पैगाम देते हैं। आपका नाम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं मौलाना मेराज मेहदी हूँ, इलाहाबाद से ताल्लुक बिलोंग करता हूँ। आज इलाहाबाद इलाहाबाद जी जी, जी आज मुहर्रम का, चूंकि इस्लाम के फाउंडर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आज की इस तारीख में पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान और न सिर्फ मुसलमान, दूसरे गैर मुसलमान भी इमाम हुसैन की इस कुर्बानी को, इस शहादत को याद करते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक फिरके के लिए, एक दीन के लिए नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। लिहाजा जहाँ जहाँ भी इंसानियत जिंदा है वहाँ वहाँ लोग, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, सब की सब इस दिन को याद करते हैं, इस दिन को मनाते हैं। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई वो प्यासे थे,
उनका खुनबा प्यासा था, उनकी याद में सबीले लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, गोया इस बात को बताते हैं। खास तौर से इमाम हुसैन का एक जुमला है कि अगर मुझे अगर तो है दुश्मन, अगर तुम मुझे मुझे नहीं मुझे परेशान कर तो मुझे जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो। यानी इमाम हुसैन की एक तमन्ना सरजमीन हिंदुस्तान थी, और हिंदुस्तान के रहने वाले चाहे जिस मसला के हों वो इमाम हुसैन की याद बना के इस बात को बनाते हैं कि काश इमाम हुसैन आते तो इमाम हुसैन शहीद ना होते, लेकिन शहीद हो गए हैं तो हम इस याद को, इस दिन को जिंदा रखेंगे, उनकी प्यास को जिंदा रखेंगे, उनके एम उनके मकसद को जिंदा रखेंगे, क्योंकि उनका मकसद इंसानियत को बचाना था, दुनिया से जुल्म का खात्मा था, और इसी के लिए उन्होंने जुल्म को जुल्म से टकरा कर जुल्म को मिटाने के लिए खुद को मिटाया, अपने कुनबे को अपने खानदान को। खुद की कुर्बानी देना बहुत आसान है, अपने बच्चों की अपने घर की खासतौर से 6 महीने के चश्माए की कुर्बानी देना, अपने खवातीन को मैं लेके आना, ये तमाम चीजें इमाम हुसैन की ये भी बतला रही थी कि हम जुल्म के लिए नहीं उठे हैं, जुल्म के खिलाफ उठे हैं, और चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए, मेरा कुनबा चला जाए, लेकिन हुसैन जुल्म के आगे तस्लीम नहीं होगा। और यही नारा आज भी हर इंसान का है, ऐ हुसैन हम आपके साथ हैं हम जब तक। और हुसैन की ये कुर्बानी हर इंसान को जुल्म के खिलाफ खड़े होने में ताकत देती है, मदद देती है, और ये कहती है कि अगर हम थोड़े से होके जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो तुम इतनी बड़ी तादाद होके जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मुसलमान हो कोई भी हो, गैर मुसलमान हो, चूंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए नहीं थी, तमाम इंसानियत के लिए थी, लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य बनता है, सबकी ड्यूटी बनती है कि इस दिन को हम इमाम हुसैन की याद मनाए, उनकी याद में उनकी प्यास को याद रखें, उनकी प्यास में पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। जी ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, उनके निधन के 50 साल के बाद ये वाकया हुआ था, यानी आज से 1400 साल पहले, तकरीबन 1400 साल पहले करबला की सरजमीन पर यह हादसा पेश आया, जिस वक्त मुसलमानों की हुकूमत एक जालिम जाबिर यजीद नामी शख्स के हाथ में आ गई थी, जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, मानव को मानव नहीं समझता था। उसका मकसद था इंसानियत पे कब्जा करना, इंसानियत पे हुकूमत करना। इमाम हुसैन ने उसको इजाजत नहीं दी, और इसके लिए इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी।